हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और ईरान के बीच जारी तकरार का भारतीय उद्योगों खास तौर से चावल उद्योग पर असर पड़ सकता है। हालात को देखते हुए चावल व्यापारियों ने खाड़ी के देशों विशेषकर ईरान इराक में चावल नहीं भेजने का फैसला किया है। राइस मिलर्स ने भी चिंता व्यक्त की है। मिलर्स का मानना है कि अगर चावल का निर्यात रुक जाता है तो इससे मिलर्स के साथ साथ लेबर और किसानों को भी आने वाले वक्त में नुकसान होगा। रादौर के मिलर्स की माने तो यदि अमेरिका और ईरान का झगड़ा जारी रहेगा तो पूरे उद्योग पर फर्क पड़ेगा। यह फर्क सिर्फ व्यापारी पर ही नहीं बल्कि किसान पर भी पड़ने वाला है। चावल नहीं जाएगा तो जीरी जो स्टॉक की हुई है उसमें नुकसान पड़ेगा, और सबसे ज्यादा तो वहां पे पेमेंटें फंसी हुई है जिससे कि पैसे की तंगी है और बिना पैसे के कारोबार नहीं चलता। इंटरेस्ट पड़ जाते हैं, बैंकों से उतना फंडिंग नहीं हो पाती। कुछ मंडियों में अभी भी धान आ रहा है, इन दिनों में थोड़ा रेट बढ़ जाते थे जो लोग रोकते थे स्टॉक करते थे, राजर बढ़ने की बजाय रेट और घट गए और आने वाला भविष्य भी फिलहाल थोड़ा अंधकार में दिख रहा है। फिल्म